मैंने वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। चौबीस में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले पूरे ही देश भर में सियासत लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके चलते तो सियासी सरगर्मियां तेज हैं ही, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बिहार में भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधानसभा में बयान दिया है, उसके बाद से देश भर में सियासी बवाल मच गया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में हाल ही में कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके चलते सियासी बवाल मच चुका है, लेकिन इसके बाद से देखा गया कि नीतीश कुमार के इस बयान का विरोध किया गया, उन पर लगातार लोग बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। आखिरकार नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने सुना कि नीतीश कुमार ने किस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी है। अब यहां पर देखा जाए तो यूपी में भी इसकी अब आंच देखने को मिल रही है, यहां पर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जानकारी दे दें कि यादव कुनवे की छोटी बहू बीजेपी नेत्री अपर्णा विष्ट यादव ने अपनी बात रखी और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बात कही है उससे वह भी नाराज है और अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा विष्ट यादव साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं उनके बयान को सुनने के बाद। महिला होने के नाते मैं नीतीश कुमार के इस बयान से बेहद क्रोधित हूं और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े विधायक दल के नेता होने के नाते उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। बीजेपी नेत्री का कहना साफ तौर पर रहा कि विधानसभा देश का बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है। बिहार से बड़ी संख्या में IAS और PCS अधिकारी निकलते हैं, वहां के लोग काफी सुलझी मानसिकता के होते हैं। वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की बात करना बेहद शर्मनाक है। इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से उन्होंने ये बात रखी है और उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का कहना साफ तौर पर रहा कि मैं ना सिर्फ शर्म कर रहा हूँ बल्कि खुद की भी निंदा करता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर इस बयान को ध्यान में रखते हुए माफी भी मांगी है। लेकिन आप यहाँ पर नीतीश कुमार की बात से क्या वाकई में सहमत है? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव महिला होने के नाते अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर की है, लेकिन आप यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव की बातों से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।